हेलो फ्रेंड्स, सेल्फ गाइड स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ UP SSC सहायक लेखाकार एवं लेखाकार परीक्षा का, जो आज 26 नवंबर के दिन इंटरव्यू हुआ है, उसके कुछ भी क्वेश्चन आंसर मेरे पास आए हुए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए चलिए देखते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो यहाँ देखिए, पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है पूंजी बाजार किसे कहते हैं। तो पूंजी बाजार के बारे में बताना है, पूंजी बाजार किसे कहते हैं। तो पूंजी बाजार में लंबी अवधि के निवेश के वित्त पोषण के लिए बनाया गया है। तो पूंजी बाजार, यहाँ देखिए कि पूंजी बाजार में लंबी अवधि के निवेश के वित्त पोषण के लिए बनाया गया है और लेन देन के इस बाजार में जगह लेने के एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए किया जाएगा। तो पूंजी बाजार एक वर्ष के अधिक अवधि के लिए बनाया जाता है और ये बहुत लंबी अवधि के निवेश के वित्त पोषण के लिए ही बनाया जाता है, ठीक है। और इसके बाद देखिए पूछा गया प्रत्यक्ष कर क्या है, ये एक दो बार और भी पूछा गया है क्वेश्चंस। वह कर जो जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है वही उसका भुगतान करता है, प्रत्यक्ष कर कहलाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चंस क्या है, अगला क्वेश्चंस यहाँ पूछा गया है, यानी कि पूछा गया क्रेडिट कार्ड क्या है। तो क्रेडिट कार्ड के बारे में बताना है, यह वित्तीय संस्था, मैंने यहाँ थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ, ले लिया है इस क्वेश्चंस को, तो मैं थोड़ा डिटेल में आप सबको बता देता हूँ। यह वित्तीय संस्था द्वारा दिया गया एक ऋण है। देखिए क्रेडिट कार्ड के बारे में पूछ रहा है, ठीक। यह दिया गया एक ऋण है जिसे आप उपयोग में ला सकते हैं, ठीक, और फिर मासिक किस्तों में कुछ समय में चुकाते हैं, और आपके क्रेडिट कार्ड की एक निश्चित सीमा होगी और आपको अपना कुल बैलेंस उस सीमा के भीतर रखना होगा। जो सीमा दिया जाता है इसमें क्रेडिट कार्ड यूज करने का, उस सीमा के अंदर में ही आपको अपने जो बैलेंस होता है, एक लिमिट होता है, उस बैलेंस को रखना होता है, और जब आप भुगतान करते हैं तो आप खर्च की गई रकम और ब्याज वापस लौटा रहते हैं, ठीक। और इसके सिवा कि आपकी खरीदारी पर छूट अवधि उपलब्ध हो या आप केवल खरीदारी किए हैं, ठीक, तो ये क्रेडिट कार्ड होगी। और जो लोग पहली बार ये चैनल देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। छूट अवधि उपलब्ध हो या आप केवल खरीदारी करके सारे बकाया का हर महीने पूरा भुगतान करते हो, और जब आप क्रेडिट कार्ड का बुद्धिमानी से प्रयोग करते हैं तो आपके पास हर महीने अपनी आय के प्रबंधन का एक सरल तरीका होगा, ठीक। और इसके बाद देखिए यहाँ है सिडबी शब्द संक्षेप का अर्थ है। तो सिडबी शब्द का क्या अर्थ होगा वो बताना है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये सिडबी शब्द का संक्षेप अर्थ होता है। और इसके बाद पूछा गया अमेरिका का केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो फेडरल रिजर्व बैंक जो अमेरिका का केंद्रीय बैंक है, ठीक। यानी कि उत्तर प्रदेश का से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है, तो मथुरा जिले में सबसे कम वर्षा होती है, ठीक है। और इसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा का कब घोषित किया गया, तो 1989 ईस्वी में उत्तर प्रदेश को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया, ठीक। और उत्तर प्रदेश में जैन व बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का कौशाम्बी में है प्रसिद्ध तीर्थ स्थल। और इसके बाद देखिए क्या है, अब मैथ्स क्वेश्चन पूछा गया है, और यहाँ देखिए पांच लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है, तो अन्य लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। देखिए यहाँ कुछ क्वेश्चंस में थोड़ा फॉल्ट है, तो ये आप समझ लीजिएगा कि औसत से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। और इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चंस है, तो यहाँ पर देख लीजिए, मैं इसे हटा देता हूँ, और यहाँ पर देख लीजिए एक वस्तु पर 800 रुपये अंकित है, ठीक। तो एक वस्तु पर 800 रुपये अंकित है और यदि इसे 12% कमीशन पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, तो विक्रय मूल्य 704 होगा, ठीक। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है एक बस 4 घंटे में 180 किलोमीटर चलती है तो चाल ज्ञात कीजिए। तो सिंपली यहाँ पर चाल ज्ञात करना है, चाल निकाल लेंगे आप लोग, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। और एक इसके बाद पूछा गया क्वेश्चन, एक धनराशि की राशि 12,500 रुपये से 15,500 रुपये पर 4 साल में साधारण ब्याज की दर लगती है, तो ब्याज की दर ज्ञात करना, ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है पूछा गया है, तो बता दीजिएगा आप लोग सॉल्व करके, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग कि कितना आ रहा है आप लोग का।
और यहाँ देखिए फिर अगला कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा गया है, टास्क बार को स्वतः छिपाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑटो हाइड टास्क बार का प्रयोग किया जाता है, तो टास्क बार को छिपाने के लिए यही एक टूल का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद पूछा गया है, ये देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछ दिया गया है ये तीनों क्वेश्चन, तो मैंने यहाँ पर इनका आंसर नहीं दिया है। आप लोग इन सब का आंसर देखने के लिए पिछला वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं जो रिपीट किए जा रहे हैं, तो आप सारे इंटरव्यू के वीडियो जरूर देखें, ठीक है। तो यहाँ इनपुट एवं आउटपुट डिवाइस के बारे में पूछा है, फिर प्रिंटर का क्या कार्य बताना है, फंक्शन की कितनी होती है, तो F1 से F12 तक फंक्शन की होती है। इसके बाद पूछा गया है फुल फॉर्म ऑफ ईमेल, ईमेल का फुल फॉर्म बताना है, इलेक्ट्रॉनिक्स मेल होता है, ठीक। और आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन पूछा गया है, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, और जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। धन्यवाद।